चल यार नहीं ये है बबल। ईद वाले दिन भी हमें गोश्त नसीब नहीं हो रहा है यार। हाँ यार नबील, नबील जो मिल गया है ना सब्र शुक्र करके खा लो, वरना जिस तरह की आपकी हरकतें हैं आपको ये भी नहीं मिलना चाहिए। जानू नबील। ओके जानू। चांदी बेटा चलो आप तो खाना खाओ ना। मैंने दाल चावल नहीं खाने। तो फिर क्या खाना है? मुझे बिरयानी खानी है। हाँ ना। तुम तो चुप करो नबील। बेटा बिरयानी आज नहीं मिल सकती ना, घर में गोश्त नहीं है। तो फिर मुझे भी खाना नहीं खाना। चल पुत्र लोहे इसे दफा कर, तू तो खाना खा। मैंने भी नहीं खाना माँ जी। क्यों नहीं खाएगा? हाँ भाई क्यों नहीं खाना यार? मैं मतलब ईद के दिन भी हमारे घर पे दाल चावल बने, क्या हम इतने ही गरीब हो गए? अरे चुपचाप खाना खा। नहीं खाऊंगा, खुद ही खा ले, ये ले। अरे बदतमीजी करता है बाप से, शर्म नहीं आती तुझे? आपने मेरे लोहे को हाथ कैसे लगाया? ए, ऐसे मुस्तकीम, आपकी ये जुर्रत कैसे हुई? आपने मेरे नीले को मार मार के तो लाल कर दिया। अरे एक तो खाना नहीं खा रहा, ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? आप बच्चे को प्यार से भी तो समझा सकते थे ना, आपने इतनी जोर से मारा वो भी दो बार। अपनी माँ को और ज्यादा चराने की जरूरत नहीं है नबील। यार इसमें चराने की क्या बात है, एक तो आपने कुर्बानी नहीं की, पूरे मोहल्ले में बच्चों की नाक कटवा दी। हाँ। और अब आप इस बेचारे मासूम को बबलू को मार रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए महमूद साहब। आपने ये अच्छा नहीं किया शफीक, मेरे पितल ने आपसे मांगा ही क्या था? सोना माँ जी। हाँ सोना ही तो मांगा था ना। सोना नहीं माँ जी, बकरा। हाँ एक बकरा ही तो मांगा था। अरे अगर इतनी मोहब्बत है तुम्हें अपने पीतल से तो जाओ इसके लिए बकरा लेकर आओ। ओए पीतल, पीतल खबरदार, तूने आग लाने की कोशिश की हो अपने आप पर। वैसे महमूद साहब आप लोगों ने बहुत ज्यादा सोना को सर पे चढ़ा दिए, इस तरह कोई जाता है खाने के बीच में उठ के? वेरी बैड। चलो चांदी बेटा आप खाना खाओ। चलो चांदी, 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 चांदी। मेरे पुत्र रो नहीं, रो ना मेरे बच्चे, मैं तुझे कल बकरी का सालन बना के खिलाऊंगी। मुझे सालन नहीं खाना। हा? मुझे बकरा चाहिए अम्मा जी। ना तूने बकरे का क्या करना है पुत्र? काटना है। आए? तू बकरे को कैसे काटेगा? हाय अभी तो तेरे दांत भी पूरे नहीं आए। माँ जी मुझे बकरे की कुर्बानी करनी है यार। उशी। अगर बकरा नहीं आया तो मैं कभी भी खाना नहीं खाऊंगा। नहीं तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए बकरा लाऊंगी पीतल। सोना। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए सोना लाऊंगी। ये बकरा चाहिए, सोना नहीं। हाँ तो बकरा ले आऊंगी। कैसे लाएंगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ओए तू टेंशन ना ले मेरे पुत्र, जो मैंने पैसे तेरी शादी के लिए रखे थे ना उसी में से बकरा लाऊंगी। ओए अब क्यों रो रहे तू? तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? ओ यार महमूद साहब क्या हो गया, आप अपना इतना बड़ा मुंह लटका के बैठे हुए हैं। यार नबील तुम्हारी माँ कहीं चली गई है। वो कहाँ चली गई है, क्या मतलब आपका कहाँ चली गई है बता? यार मुझे क्या पता, मुझसे नाराज है वो। हैं? ओ कोई नहीं आ जाएंगी यार, यहीं गई होंगी मोहल्ले में, सोने को दो चार बकरे रह गए थे वो दिखाने गई होंगी, आ जाएंगी, फिक्र ना करें, टेंशन ना लें आप। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन में मुंह आपका और लटक जाता है, घुटनों तक आ जाता है। अबे तेज तेज भाग। अब कैसे भागू सर, जूता काट रहा है। अबे कौन जूता काट रहा है? सर मेरा मतलब है मेरा जूता काट रहा है। किसको? अरे सर मुझे। अबे जूता है कि कुत्ता जो काट रहा है? नहीं असल में सर वो छोटा है ना। कौन कुत्ता? नहीं सर जूता। अबे छोटा जूता पहनकर क्यों आते हो? छोटा नहीं सर तंग है। अबे तंग तो मैं भी तुझसे बहुत हूँ। जी सर। हाँ अबे जल्दी कर जूता उतार, नंगे पैर भाग, कहीं वो चोर भाग ना जाए। अरे सर नहीं भागेगा, उसको पकड़ के SHO के हवाले करेंगे और इनाम लेंगे, और सर उस इनाम से ना मैं अपने लिए जूते खरीदूंगा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे उस चोर के पास हीरा हीरा, उससे वो छीन कर उस चोर को गोली मार देंगे। क्या? हाँ और फिर पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। पुलिस की नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या सर? हीरा होगा ना अपने पास, हीरा। नहीं सर मैं हीरा नहीं खाऊंगा, हीरा खाने से मर जाते हैं। अबे हीरा खाएंगे नहीं, उसको बेच के उसके पैसे खाएंगे। अरे वाह सर आइडिया तो बहुत अच्छा है, वैसे भी पुलिस की नौकरी में बड़ी जिल्लत है। अबे और नहीं तो क्या, अब हमें ही देख ले, ईद के दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं। अरे ईद से याद है सर आपने बकरा खरीद लिया? अबे नहीं चल जल्दी चल जल्दी चल। सही लगा इसके दाम? अरे अम्मा सही दाम लगाया, सस्ते दाम में मैं आपको दे रहा हूँ। प्रिंट भी अच्छा नहीं है इसका, तो कम कर देना थोड़ा। अरे अम्मा दो दाम दे, ये देखें
सर यहाँ क्यों है? कोई बकरा बकरा लेना है क्या? तू उधर देख, मैं उधर देखता हूँ। सर यहाँ माल अच्छा नहीं है, कहीं और चलते हैं। अबे बकरा नहीं खरीदना हमने। तो फिर सर? वो चोर आया है, वो यहीं कहीं घुसा है। अच्छा हाँ चल चल जल्दी। आ जाए। ये देखें, ये मैं आपको 20,000 रुपए का दूंगा। 20,000 रुपए? जी अम्मा, वो भी इसलिए कि आ जाए, ईद का आखिरी दिन है ना। अच्छा जी अम्मा, चल ठीक है। ठीक है चलो। अच्छा, ले पकड़। हाँ ला दे दे दे, 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 दे चल। अम्मा आपकी गाड़ी है? मोड़, इसको रिवर्स गियर लगा। चल अब तू पीछे हट जा। ओए ओए, अबे क्या कर रहा है? ओ अम्मा 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 मामा अम्मा अम्मा, ओ रक्षा, ओए ओए अम्मा अम्मा, रक्षा बकरा बकरा, अम्मा अम्मा। शाबाश शाबाश, मेरी तरह ना चल। लो यहाँ कांसी, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ गई हूँ। कांसी लो यहाँ। माँ जी आप बकरा ले आई। अब तो खुश है ना बच्चू? थैंक यू माँ जी। ये बकरा कहाँ से आया माँ जी? दरवाजे से पुत्र। अरे ये किसका बकरा उठा के ले आई हो मोमो तुम? उठा के नहीं, खरीद के लाई हूँ, वो भी मंडी से। ओ माँ जी, अगर आपके पास बकरा खरीदने के पैसे थे यार, तो पहले दिन दे देती, तीसरे दिन याद आया आपको। चलो नबील, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब कुर्बानी तो हो जाएगी ना। ओ यार मैं मूसा, कसाई मिलेगा तो कुर्बानी होगी ना यार। कसाई मिलेगा कहाँ से? आप फिक्र मत करें, मैं नाई को क्या आई हूँ। अरे बकरा नाई नहीं, कसाई ज़िबा करता है। हाँ तो मैं नाई को बोल आई हूँ कि कसाई को हमारे घर भेज दे, थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे वाह माँ जी। माँ जी आपने तो कमाल ही कर दिया, आज लगी है मेरी माँ। शाबाश मोमो शाबाश। जानू माँ जी के लिए अच्छी सी चाय बनाओ, माँ जी थक गई होंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चले आए अंदर चल के आराम से बैठे। चलो चलो लाए लाए ये पकड़ाए, इसको तो बांध देते हैं। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज ये ले माँ जी। बच्चे कितने खुश हो गए वैसे बकरा देखकर। हाँ जानू, लेकिन तुम्हारे पापा ने देख लो बकरा नहीं भेजा, मेरी माँ लेके आई है। नबील पापा ने कुर्बानी कर दी थी ना बकरा खरीद के हमारे नाम पे। अरे वो कोई कुर्बानी नहीं होती है, है? हाँ कुर्बानी ये होती है कि बकरा घर आए, बच्चे उससे खेलें, उसके बाद उसकी कुर्बानी और उसका गोश्त जो है मोहल्ले में बटे और हमें उस बकरे का गोश्त खाना नसीब हो। और अब शराफत से उस बकरे का ना बच्चों के लिए बिरयानी और कोरमा बना लेना फजीला। ठीक है माँ जी। हाँ जानू, और कलेजी भी। पहले बकरा कटने तो दो नबील। आए वो भी कट जाएगा। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। कसाई आएगा तो होगा ना माँ जी? ओए नाई आ गया। ओ माँ जी, नाई नहीं कसाई। हाँ हाँ वही। आप आराम से चाय पिए, सुड़ के ले लेके आए, मैं सब हम देखते हैं। हाँ आओ, आ जाए आ जाए आ जाए, पिए ना। बकरा का? अरे भाई आराम से, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर सांस लें आराम से। अबे सांस गया भाड़ में, ये बता बकरा का है? अरे यार अभी लाए हैं, अभी बच्चों को थोड़ी देर खेलने तो दो। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है वो, समझा? अरे भाई आपको छुरी वुरी नहीं लेके आए, और आपका हुलिया भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप किसानियों के जेम्स बॉन्ड हो। पुराने जमाने का समझ रखा क्या, छुरी वुरी लेके नहीं घूमता? ये है मेरे पास ये पिस्तौल। अरे नबील, ये हमारे बकरे को क्या गोली मार के ज़िबा करेगा? ओ भाई हमें नहीं पता, जा जाओ ये छुरी छुरी वुरी लेके आओ ना यार। छुरी वुरी नहीं है मेरे पास। अरे कैसा कसाई है तू, तेरे पास छुरी नहीं है? मैं कसाई नहीं हूँ बे। ओ भाई तू कसाई नहीं है तो तू क्या हलवाई है, यहाँ क्या करने आया है? सालों बकरा कहाँ है जल्दी बता दो। महमूद साहब मैं आपसे कितनी देर से कह रहा हूँ कि भाई को बता दो बकरा क्या, आप बता क्यों नहीं रहे भाई को? लॉन में आइए 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 आइए। ये रहा बकरा। बकरा खोलो। हैं?
खोलता है तेरा भेजा खोलूं? नहीं नहीं महमूद साहब, आप सुन क्यों नहीं रहे? खोले बकरा, क्यों मेरा भेजा खुलवाने? अच्छा अच्छा अच्छा, ये खोले खोले, खोल दिया खोल दिया। ए ले भाई, ओ भरे बकरा कहाँ लेके जा रहे हैं आप? मेरा बकरा है, जहाँ मर्जी लेकर जाऊँ इसे। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरी बीवी अभी मंडी से खरीद कर लाई है इसे। हम ऐसे थोड़ा जाने देंगे इस बकरे को। मामा मामा, क्या हो गया? अरे मामू, ये बकरा लेके जा रहा है। ओए किधर ले जा रहे हैं हमारे घोड़े को? ओए ज्यादा शोर मत मचाना वरना गोली मार दूंगा। ये बकरा मैं ही लेकर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कान खोल कर सुन लो। ऐसे कैसे लेके जाएंगे? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे पुलिस को क्यों लेकर आ रही हो मेरी बहन बीच में है? आपस में तय कर लेते हैं, बताओ कितने का बेचोगी बकरा? अरे भाई हम ये कुर्बानी के लिए लाए हैं, बेचने के लिए नहीं लाए। चल 50,000। ओ भाई आज आखिरी दिन है, तू यहाँ से निकल, हमने से कुर्बान भी करना है। चल निकल, बड़ा मुँह लेकर निकल। 1,00,000। अबे जाता है या बुलाऊं पुलिस को? 2,00,000। महमूद साहब इस ऑफर के बाद बनता है कि हम उधर जाके डिस्कशन कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। महमूद साहब मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अच्छी डील मिल रही है, 20,000 का बकरा है, 2,00,000 मिल रहा है, क्या बुरा है यार? अरे हाँ नबील। लेकिन नबील वो आदमी हमें इस बकरे की 2,00,000 दे क्यों रहा है? वो लानत भेजो, हमें इस बात से क्या लेना, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 2,00,000 रुपए हमें उस बकरे का मिल रहा है। क्यों माँ जी? ये बकरा मैं नहीं बेचूंगी। अरे मोमो कुछ सोचो, 2,00,000 रुपया मिल रहा है, 2,00,000 रुपए में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ माँ जी, और वैसे भी पापा जी हमारे नाम की कुर्बानी तो कर ही चुके हैं। खबरदार जो किसी ने उस बकरे को बेचने का सोचा हो तो। हाँ माँ जी ठीक कह रही है नबील, हम इस आदमी को बकरा नहीं देंगे, बकरा लेना है ना इसे तो मंडी से जाके ले। आए माँ जी हम चल के उसे मना करते हैं। चले यार महमूद साहब, हमारी बीवी हमें आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। हाँ यार भाई, ये दे हमें नहीं बेचना अपना बकरा। ओए क्यों नहीं बेचना? बस हमारी मर्जी, आप जाएं यहाँ से, बहुत हो गया है। बकरा तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खून की नदियाँ क्यों ना बहानी पड़े। नहीं 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 नहीं। ओ भाई तू क्यों इस बकरे के पीछे पड़ गया है? ओ भाई इस बकरे में मेरी जान है ना, तुझे कोई तोता नहीं मिला था अपनी जान रखने के लिए? मैं अपना तुम लोगो को कैसे समझाऊं? देखो मैंने एक कीमती हीरा चुराया था। और इस बकरे के साथ मिलके? अबे नहीं। फिर? पुलिस मेरे पीछे लगी थी, मैंने पुलिस से बचने के लिए हीरा इस बकरे को खिला दिया। क्या? है तो इस बकरे ने हीरा खाया हुआ? हाँ। माँ जी फिर तो ये बकरा किसी भी वक्त मर सकता है। ओए फिट्टे मुंह तेरा, हमारी कुर्बानी खराब की है तूने। ओ माँ जी वो कसाई कहाँ मर गया? ओए पुत्र पता नहीं मुझे। नबील इस बकरे को जितनी जल्दी हो सकता है ज़िबा करवाओ वरना ये मर जाएगा। ओ यार महमूद साहब कसाई आएगा तो ज़िबा कराऊंगा ना मैं, क्या दांतों से कर दूं ज़िबा इसको? ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बकरे को ज़िबा करवा कर गोश्त तुमको भिजवा दूंगा, हीरा खुद रख लूंगा। कुर्बानी हमारे घर ही होगी। तो बस ठीक है, बकरा मैं कटवा कर जाऊंगा, बुलाओ कसाई को। क्या हुआ नबील, कसाई मिला? जानू जितने भी कसाई थे ना मोहल्ले के बकरे ज़िबा करके वापस गांव चले गए हैं। क्या? अबे दफा करो कसाई को, मैं इस बकरे को अभी गोली मार के यहीं ढेर कर देता हूँ। मैं तुझे ये जुलम नहीं करने दूंगी कसम। अम्मा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ओ भाई तेरा नाम कासिम है? हाँ हाँ मेरा नाम कासिम है। अरे वाह मोमो तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। अबे सोलो दिमाग का दही मत करो, इसको काटो जल्दी, मुझे ये शहर छोड़कर भागना भी है। ओ भाई कसाई नहीं मिल रहा ना? अबे तो खुद ज़िबा कर लो ना। हा? अबे ज़िबा करते हो या गोली मारूं? अब बकरे को? अबे तुम्हें मेरा ख्याल है नबील, हम बकरे को खुद ही ज़िबा कर लेते हैं। अम्मा वो जो हम खुद करेंगे बकरे को वो ज़िबा होगा। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी किचन में जितनी भी छुरियाँ पड़ी हैं जाए सब ले आए। होशमशे नबील मुझे तो डर लग रहा है यार। ओ जानू तुम जाओ यार अंदर। आन दफा अंदर से। नबील देख लो कोई उल्टा सीधा ना कर देना। ओ यार तुम चुप करो जानू यार, पहले बड़ी टेंशन हो रही है। महमूद साहब आप रस्सी पकड़े यार। बैंको। ओ यार मैं आपके साथ कैच नहीं खेल रहा, बल्कि आप एक काम करें रस्सी छोड़े, आप इसके पाँव पकड़े। ओ मैं माँ जी के पाँव पकड़ने को नहीं कह रहा, बकरे की टांगे पकड़े यार। और माँ जी आप कान पकड़े अपने मियाँ के। और नहीं यार इस बकरे के, वो तो मैंने पकड़े हुए। ओ माँ जी ये कान नहीं छुरियाँ है यार, तो मैं इनका क्या करूँ? इन्हें गिरा दे यार। और अगर इन्हें गिरा दिया ना तो बकरे को दांतों से काटूंगी। ओ पहले माँ जी गिराए तो सही यार। छुरियाँ? और नहीं इस बकरे को। अच्छा अबे हट जा, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, बकरा मैं गिराता हूँ, ज़िबा तुम लोग करना। हाँ पकड़ भाई। अच्छा जी पकड़। हाँ।
उसे अच्छी तरह से ढूंढो, यहीं कहीं होगा। ओ यार हर जगह ढूंढ लिया, नहीं है यहाँ पे। मुझे तो लगता है खा पी के इसने रस्ते में निकाल दिया होगा। बकवास बंद कर, मेरी जिंदगी भर की कमाई है वो हीरा, ढूंढो अच्छी तरह से। ओ भाई तुझे याद है तूने इसी बकरे को खिलाया था हीरा है? हाँ, हो सकता है तुमने किसी और बकरे को खिला दिया हो, क्यों नबील? हाँ मैं सब सब बकरों के मुंह एक जैसे ही होते हैं यार। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम लोगों का, ज्यादा बकवास की तो। ओ भाई पूरा बकरा हमने बोटी बोटी कर दिया, नहीं निकला इसमें से हीरा। हाँ भाई अब तुम खुद ही ढूंढ लो आके। मैं मुझे तो लगता है तुम दोनों ने हीरा छुपाया होगा। हाँ मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, निकालो मेरा हीरा। ओ बस कर दे भाई, महमूद साहब का हाजमा पहले ही कमजोर है, हीरे के अलावा सब कुछ निकाल देंगे। तुम्हारी तो ओ माँ जी आप तो जाएं यार किचन में जाके कलेजी बनाए रहे यार। मेरे मियाँ को गोली लगी है, तुझे अपनी कलेजी की पड़ी है। ओ माँ जी इसने हवाई फायर किया था यार। अरे मोमो मैं जिंदा हूँ। लेकिन अब जिंदा नहीं रहेगा। छुपा हुआ है, छोड़ो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे, पहले तुझसे हीरा लेंगे फिर तेरा इनकाउंटर करेंगे। मैंने हीरा इस बकरे के मुंह में डाला था। झूठ बोल रहा है ये कमीना इंस्पेक्टर। सर इन्होंने आपको कमीना बोला है? मुझे नहीं, इसको बोल रही है। हाँ हीरा इसने ना खुद अपने मुंह में डाल दिया है ताकि आप लोग ना निकाल सके। फिर तो इसे हमारा पता ही नहीं है बच्चू, हमने बड़ी बड़ी चीजें निकलवा ली हैं। चल थाने उल्टा लटका के तेरे से हीरा निकालते हैं। चल छोड़ो मुझे, लेके जा इसको। मुझे तो लगता है पागल था ये आदमी। पुत्र वो हीरा। ओ माँ जी मिट्टी डाले यार हीरे को, पूरा गोश्त तो खंगाल डाला है हमने यार। हाँ जी एक काम करें माँ जी, जाएं किचन में कलेजी पकाएं। हाँ ताकि ईद के तीसरे दिन हम भी कुछ खा पी सके। सिरी मिलाई ये भाई मानी है। तुम यही आराम करो, वहां भी आता हूं। डरना नहीं। क्या अच्छे कलेजी बनाई आपने, वाह वाह वाह। थैंक यू पुत्र। अरे वाह मोमो वाह, मजा आ गया मजा आ गया। क्या हुआ माँ जी? मुझे लग रहा है मेरे दांत टूट गए। माँ जी ये दांत नहीं है। फिर क्या पुत्र? अरे अरे ये तो वही हीरा जो वो आदमी ढूंढ रहा था। क्या? ओ माँ जी आपके मुंह से हीरा निकलाया, हम फिर अमीर होंगे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है।